तो मेरे दोस्तों, कीबोर्ड्स तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आज जो कीबोर्ड मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, आपने ऐसा यूनिक कीबोर्ड कभी नहीं देखा होगा आज तक। दिस इज द इपोमेकर ब्रिक 87 मैकेनिकल कीबोर्ड। कस्टम कीबोर्ड है एक ये, और इसको जो चीज यूनिक बनाती है वो है इसका डिजाइन। तो अगर आप एक लेगो फैन बॉय है या फिर आप एक माइनक्राफ्ट फैन बॉय है ना, तो ये कीबोर्ड आपके सेटअप में रह सकता है, एक परफेक्ट एडिशन। सब कुछ जानेंगे, सारी डिटेल्स देखेंगे, क्या क्या स्पेशलिटीज है वो भी देखेंगे। सबसे पहले आइए जल्दी से डब्बा खोल कर देख लेते हैं क्या क्या अपने को इसमें मिल जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गेटिंग ये थोड़ा सा रिट्रो स्टाइल पैकेजिंग, जो कि आप देख सकते हैं लोगो डिजाइन ऊपर आपको इपो मेकर का मिल जाता है। साथ ही में इसका नेम मेंशन्ड है, ब्रिक 87। बॉक्स को ओपन करना बहुत ही आसान है, कोई एक्स्ट्रा सील वगैरह अपने को नहीं मिलती। इसको ओपन करते ही सबसे पहली चीज जो अपने को मिलती है, दैट इज द मेन कीबोर्ड, मेन थिंग जिसके लिए हमने पैसा दिया है। इसके बाद में ये कुछ पेपर वर्क अपने को मिल रहा है। इसके बाद ऊपर देखेंगे तो एक्सेसरीज का कंपार्टमेंट अलग से दिया जा रहा है, जिसको हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज तो अपने को एक टाइप सी यूएसबी केबल मिलने वाली है, जो कि इसको चार्ज करने के काम आएगी या फिर इसको वायर्ड मोड में यूज करने के काम आएगी। इसके बाद अपने को मिल जाएंगे कुछ एडिशनल की कैप्स, जो कि आप स्पेयर में यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा स्विचेस मिल जाएंगे, अगर इनके साथ कोई स्विच खराब हो जाता है तो आप इससे उसको रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद वी आर गेटिंग अ कंबाइंड पुलर, जिससे आप चाहे तो की कैप्स भी रिमूव कर सकते हैं या फिर स्विचेस को भी रिमूव कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ में अपने को एक लेगो फिगर भी मिल रहा है, जिसको बनाकर हम कीबोर्ड में लगा के आपको बाद में मैं भी दिखाने वाला हूं। अब सबसे पहली चीज आती है इस कीबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी। तो भाई शानदार, जानदार, अमेजिंग बिल्ड क्वालिटी आपको इस कीबोर्ड में मिल जाती है। अराउंड 900 ग्राम्स का इसका जो वेट है वो रहने वाला है, और जो मटेरियल है ना जिससे कंस्ट्रक्शन किया गया, दैट इज रियली प्रीमियम क्वालिटी। आपको बिल्कुल भी चीप मटेरियल इसमें फील नहीं होने वाला। और इसके की कैप्स भी बहुत अच्छी क्वालिटी के, जिनके बारे में थोड़ा सा आगे चलकर डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल आपको बता दूं कि ये कीबोर्ड आपको चार कलर ऑप्शंस में इपो मेकर की वेबसाइट पर मिल जाएगा। मेरे पास यहां पर ग्रे ग्रीन कलर वाला जो वेरिएंट है वो आया है, और साथ ही साथ में आपको यहां पर वेबसाइट पर ही चार स्विच ऑप्शंस भी मिल जाएंगे बाय डिफॉल्ट, जिसके बीच में आप चूज कर सकते हैं। मुझे इपो मेकर ने फिलहाल जो कीबोर्ड भेजा है ये आता है विद द गेटरॉन प्रो येलो 2.0 स्विचेस। इन स्विचेस का फीडबैक लीनियर होता है और ये फैक्ट्री लुब्रिकेटेड आते हैं। ये 3-pin स्विचेस है, बट आपको बता दूं कि ये जो कीबोर्ड है ये हॉट स्वैपेबल है, एंड यहां पर आप 3-pin एंड 5-pin दोनों तरह के स्विचेस जो है उनको लगा सकते हैं, उनको दोनों को सपोर्ट करता है। फिलहाल जो अपने गेटरॉन प्रो येलो 2.0 स्विचेस आ रहे हैं ये 3-pin वाले हैं, आप 5-pin वाले भी लगा सकते हैं फ्यूचर में। अब मैकेनिकल कीबोर्ड्स की अगर सैटिस्फाइंग सी साउंड नहीं सुनी ना, तो फिर क्या रह गया, क्या मजा। तो जल्दी से आओ आपको इसकी सैटिस्फाइंग सी साउंड टेस्ट सुना देता हूं। नीचे की साइड कीबोर्ड में आपको इसका वायरलेस 2.4 गीगाहर्ट्ज़ डोंगल जो है वो मिल जाएगा। ये छोटे से सेफ कंपार्टमेंट में आप इसको निकाल सकते हैं, इसको रख सकते हैं ताकि ये खोए ना। एंड प्लस आपको यहाँ पर 2-level एडजस्टमेंट स्टैंड्स भी मिल रहे हैं, जिनसे आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग जो है इस कीबोर्ड का एलिवेशन लेवल सेट कर सकते हैं और अपने टाइपिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से इसे सेट कर पाएंगे। अब आप कीबोर्ड का डिजाइन देखेंगे ना, तो आप नोटिस करेंगे कि कैसे इसका जो फंक्शन कीज वाला जोन है ना, वो पूरा कर्व्ड डिजाइन है। उसकी वजह ये है कि स्पेशल फीचर जिसकी हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात करी थी, अब आइए उसकी बात कर लेते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, कीबोर्ड इज मेंट फॉर द लेगो फैन बॉयज, और साथ में आपको एक लेगो फिगर भी मिलता है, और आप उसको बिल्ड करके उसको बनाकर लेगो फिगर को आप इस कीबोर्ड के पीछे की तरफ, जहां पर आपका जो फंक्शन की जोन है इसके ऊपर की साइड जो कि मैंने आपको दिखाया है, यहां पर आप इस लेगो को बिल्ड करके लगा सकते हैं, या फिर आपके पास कोई भी लेगोज हैं उनको आप यहां पर लगा सकते हैं और इस कीबोर्ड को बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही कूल लुकिंग सा बना सकते हैं। तो भाई जितने भी लेगो फैन बॉयज हैं वो अपने लेगोज उठाएं और फुल मिस्त्रीगिरी पर लग जाएं, और क्रिएटिविटी से इस कीबोर्ड को कूल एंड यूनिक लुकिंग अपने टेस्ट के हिसाब से आप बना सकते हैं। नाउ दिस इज अ वायरलेस कीबोर्ड एंड 3000 mAh की बैटरी के साथ में आता है, मतलब कि जो बैटरी बैकअप है वो काफी सॉलिड मिलने वाला है आपको। लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखेंगे तो आपको इसका ऑन एंड ऑफ करने का ये छोटा सा स्विच मिल जाएगा, जिससे इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। राइट साइड पर आप देखेंगे तो आपको कनेक्टिविटी मोड सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो कीबोर्ड है इसको एक टाइम पर आप 3 डिवाइसेस के साथ में साइमल्टेनियसली कनेक्ट एंड यूज कर सकते हैं स्विच करके। ये जो स्विच है इससे आप अपने डिवाइस के बीच में भी स्विच कर सकते हैं, डिपेंडिंग आप किस चीज के थ्रू इसको यूज करना चाहते हैं। TKL फॉर्म फैक्टर मिल रहा है यहाँ पर कीबोर्ड का, और साथ ही साथ में PBT की कैप्स मिल रहे हैं, विच कम विद MDA प्रोफाइल, जो कि आपके टाइपिंग एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा इंजॉयबल बना देता है, एंड ये फेड नहीं होने वाले टाइम के साथ साथ, मैं आपको इस चीज की गारंटी दे सकता हूँ। स्पेस बार के नीचे आप नजर डालेंगे तो यहाँ पर आपको एक फिजिकल थंब स्क्रोल भी मिल रहा है, जो कि आपके ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा ईजी बना देगा। एंड अगर आप क्रोम यूज कर रहे हैं, आप मल्टीपल टैब्स में ब्राउज कर रहे हैं या फिर आप रीड कर रहे हैं, तो स्क्रोल करना आपके लिए आपके स्पेस बार के नीचे थंब के एक्सेस में बड़ा ही आसान हो जाता है। अब एक चीज मुझे यहाँ पर जो थी वो बुरी लगी, वो ये कि
इस कीबोर्ड में आपको किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर कंट्रोल या फिर सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं मिलता। आपको याद होगा मैंने कुछ टाइम पहले ईपोमेकर का ही शैडो एक्स कीबोर्ड रिव्यू किया था, जिसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा आपको उसका लिंक ऊपर आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो उस कीबोर्ड में जो अपना पूरा का पूरा कीबोर्ड का कंट्रोल था, जिसमें कि आप RGB इफेक्ट्स को सेट कर सकते थे, आप GIF सेट कर सकते थे उसके डिस्प्ले पर, वो सारी चीजें जो थी वो आपको सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड मिल जाती थी, सॉफ्टवेयर से आप उनको चेंज कर सकते थे, जो कि मुझे यहां पर नहीं मिलना थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि प्राइस पॉइंट की बात करें तो ऑलमोस्ट $99 के आसपास का प्रोडक्ट है, तो मैं कहूंगा कि शैडो एक्स से थोड़ा सा कॉस्टलियर साइड पर ही है। तो इस कीबोर्ड में इन्होंने RGB को सॉफ्टवेयर कंट्रोल करने का ऑप्शन नहीं दे रखा, विच इज अ बिट डिसअपॉइंटिंग फॉर मी, बट आप चाहें तो आपको मैनुअल पर पूरे के पूरे की कॉम्बिनेशन जो है वो दिए गए हैं, उन की कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए ना आप इसके जो RGB इफेक्ट्स हैं उनके बीच में साइकिल कर सकते हैं, आप सिंगल कलर इफेक्ट्स जो है उनके ऊपर आ सकते हैं, या फिर आप इनकी जो स्पीड है, इंटेंसिटी, ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ अपने कीबोर्ड से ही जो की कॉम्बिनेशन है उनसे कंट्रोल कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर यहाँ पर सॉफ्टवेयर कंट्रोल भी मिल जाता तो और ज्यादा बेटर रहता। नाउ अगेन ईपोमेकर के प्रोडक्ट्स आर नॉट मेंट फॉर एवरीबडी, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, ये थोड़े से शौकीन लोग जो होते हैं जो अपने कीबोर्ड्स में भी कस्टमाइजेशन चाहते हैं, मतलब वो प्लेन कीबोर्ड्स जो आते हैं ब्रांड्स वगैरह के, ऑल्दो मैं आपको एक चीज क्लियर बता दूं कि जो ब्रांडेड कीबोर्ड्स आते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स के भी ना, ये कस्टम कीबोर्ड्स उनसे लाख गुना अच्छे होते हैं इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी एंड एवरीथिंग। बट हाँ, जो थोड़े शौकीन लोग हैं जो अपने कीबोर्ड पर अच्छा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और इस केस में जो कि थोड़े लेगो फैन बॉयज हैं, वो इस कीबोर्ड को कंसीडर कर सकते हैं, आपको मजेदार कीबोर्ड जो है पूरा एक्सपीरियंस देगा और देखने में भी शानदार लगेगा। फिर दोस्तों मेरी आज की छोटी सी वीडियो ईपोमेकर ब्रिक 87 मैकेनिकल कीबोर्ड पर, आपको कैसी लगी वीडियो और आपको कैसा लगा ये कीबोर्ड मुझे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताना। वीडियो पसंद आई वीडियो कीजिए लाइक, साथ साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दबाइए उस बेल आइकन को भी, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। सो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, टिल देन चीयर्स।